आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और बेटी का तबीयत एकदम ठीक हो गई है, अभी देखिए गमछा लाई है वो भी छेद किया हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे खेत की टमाटर, छत में हम जो खेती करते हैं, छत में टेरेस में हाँ जो खेती करते हैं, उसका टमाटर का साइज देखिए, फिर भी ओ मिर्च मिर्ची का साइज देखिए फ्रेंड्स। तो अभी क्या हुआ है विंटर सीजन में ना थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, सवारी ठंडा तो अवश्य छोटा है, हेड में मिर्ची को भी ठंड लग रही है इसलिए साइज उसका छोटा हो गया है, टमाटर को भी ठंड लग रही है इसलिए उसका भी साइज छोटा हो गया है। चलिए आज हम आप लोगों के साथ टोटली शेयर करेंगे, अरे दारा कथा बोलते दे, आज हम आप लोगों के साथ आज के ब्लॉग टोटली शेयर करेंगे। तो चलिए आज संडे है तो आज हम सोच रहे हैं आज हम फिश बनाएंगे। बेटी बोल रही है हम बंगाली लोग ना कतला फिश खाना बहुत पसंद करते हैं, जो बड़ा साइज का होता है ना उसी से ही हस्बैंड काट कर ले आए थे, तो फ्रिज में रखा हुआ था, अभी बाहर निकाला है तो थोड़ा ठंड बहुत चिल था, एक्चुअली क्या बर्फ टाइप का होता है ना डीप फ्रीजर में, तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, आज का पूरा ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आइए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ था, अभी ठीक हो गई है, अभी इसी से ही मछली निकालेंगे और आज फिश करी बनाएंगे और राइस के साथ खाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लगेगा, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी भी ठंड है, देखिए यहाँ पर बर्फ जमा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बर्फ, अभी भी बर्फ है, तो यही बनाएंगे आज। ये थोड़ा छोटा साइज का और बड़ा साइज का भी दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कितना बड़ा साइज दिखाते हैं आप लोगों के हैंड के साइज का, देखिए बहुत ही टेस्टी होता है, वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है, मगर ये फिश आज नहीं खाएंगे, इसको रख देंगे और ये चारों आज बनाएंगे इसका फिश करी, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। देखो तो अभी कोई देखते तो फ्रेंड्स हम तो नहीं जानते थे जो आप लोग देख रहे हो, बेटी साइड से आकर कब ऑन कर दिया हमने को नहीं पता, तो देखिए पैन हो रहे हैं अच्छे से, अभी फिश फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद यम्मी सा फिश करी बनाएंगे फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नमक और हल्दी डाल दिया है हमने और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, लगभग आप लोगों को दिखाते हैं सामने से, अच्छा लग रहा है ना, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। मछली को फ्राई करने के लिए हमने बैठा दिया है, आप लोगों के साथ भी शेयर किया है और ग्रेवी भी बनाएंगे और राइस के साथ आज मज़े से खाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, दो दिन से मैंने पौधों को पानी नहीं दिया है, छत पर दे दिया है मगर यहाँ पर अभी तक नहीं दिया है, अभी ये क्या है भगवान जी हैं, ठीक है इन भगवान जी को हम पूजा करते हैं, एक एक भगवान जी अलग अलग सिंबल के हैं। एक चीज़ आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो वृक्ष है आप लोग देख रहे हो ना, इसका जो लंबा लंबा पत्ता लीव्स है देख रहे हो ना, ये है रुद्राक्ष का पेड़, यस फ्रेंड्स हो सके तो आप लोग प्रणाम कर लीजिए, रुद्राक्ष के पेड़ को देखने से ही हम लोग हिंदू शास्त्र में कहा जाता है पुण्य मिलता है इतना है, और वो जो दिख रहा है वो कल्पतरु वृक्ष है, हम ब्राह्मण हैं तो हम लोगों को बहुत सारी पूजा पाठ करना पड़ता है, मगर हम बंगाली लोग ब्राह्मण होकर भी मांस मच्छी खाते हैं, ऐसा ही कल्चर है हम लोगों का यहाँ पर और ऐसे ही चल रहा है। अभी देखिए और एक चीज़ दिखाते हैं, हेलो बॉल, हेलो हेलो बॉल, हेलो हेलो हेलो,
भी खेलने के लिए, मेरी बेटी के साथ खेलने के लिए चले आए हैं डॉगी। आप लोग तो जानते ही हो उसका तो कोई फ्रेंड तो है नहीं, वो डॉगी के साथ ही खेलती है। तो आधा मैंने घर साफ किया, आधा क्या सॉरी भूल, दिमाग पूरा टोटली ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, क्या बताएं। घर साफ करना हो गया है मगर गैरेज और मेरी जो दो बारांदा, ये वाला बारांदा खत्म हो गया, झाड़ू देना हो गया। अभी सामने टुम्पा सोना मेरी बेटी बोल रही है टुम्पा सोना गान चलिए छे, तो हम भी आप लोगों को थोड़ा गा के सुना लेते हैं, सुना देते हैं। टुम्पा सोना हम लोगों के वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर हुआ, टपोरी टाइप का गाना है। तो की गाइबो टुम्पा सोना तो हम भी देना, अभी तक मैंने साफ नहीं किया है वो सब्जी वगैरह जो काटा था और सब कुछ है उलझन बुलझन है। तो हम क्या करेंगे अभी गैरेज को साफ करेंगे, सामने जो जो सामने वाला भी जो बरामदा है वो उसको भी झाड़ू लगाएंगे, पूरा साफ करेंगे। तब तक मछली भी फ्राई हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ बातें करेंगे। मछली फ्राई हो गई है, अभी इसको उठा लेंगे। और इसी के अंदर ऑनियन भी डाल देंगे और फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही काम करना पड़ रहा है, आज मटर के साथ बनाएंगे और बहुत ही यूनिक टेस्टी यम्मी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। अभी किचन में ही है क्योंकि घर का लगभग पूरा काम कर लिया है मैंने और अभी सिर्फ और सिर्फ कुकिंग करेंगे। तो चलिए सो फ्रेंड्स देखिए दोनों का खाना लेके आ गई हूँ, नहाना कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग खाएंगे। ये फिश करी देखिए फ्रेंड्स, मुंह में पानी आ जाएगा, आप लोग भी आ जाइए एक साथ बैठकर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी हुआ है। देखिए फ्रेंड्स देखने से ही हाय हाय स्मेल क्या निकल रहा है। तो लगभग दे दिया मैंने सब कुछ, अभी खाने के लिए बैठ जाएंगे, इसको रख देते हैं किचन में। देखिए फ्रेंड्स फिश देखिए एकदम फ्रेश है, देखिए अंदर लाल एकदम फ्रेश, देखिए कितना सॉफ्ट है देखिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स खा लेते हैं, अभी खाने के बाद फिर आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी टिप शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, नोटिफिकेशन चला जाएगा आप लोगों के पास। और थोड़ी देर वेट कीजिए, हम बहुत अच्छे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज। सो फ्रेंड्स खाना खाना कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा छत पर भी गई थी वॉक करने के लिए और वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के साथ, जैसे छत का भी आप लोग देख सको। मगर क्या करें फ्रेंड्स, उसको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने डिलीट करना पड़ेगा क्या, डिलीट मैंने कर भी दिया है क्योंकि वहाँ पर पास में ही आज पिकनिक हो रहा है, तो उसका ज़ोर से जैसे होता है ना पिकनिक में ज़ोर से गाना बजता है वैसे ही गाना बज रहा था और मैं जो भी बोला मेरे वॉइस के साथ साथ गाना भी रिकॉर्ड हो गया, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने वो वाला वीडियो
डिलीट कर दिया। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज का टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग जब भी खाना खाए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब भी आप लोग खाना खाए उसके बाद आप लोग जैसे होते हैं ना, मैक्सिमम लोग क्या होता है खाना खाने के बाद थोड़ा आलसी आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं बेड में सोने के लिए चले जाते हैं या तो फिर सोफे पर बैठ जाते हैं। ये करना नहीं है, आप लोगों को खाना खाने के बाद थोड़ा वर्क करना है, थोड़ा धीरे धीरे ही कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है फास्ट करने की, थोड़ा धीरे धीरे ही कीजिए, मगर आप लोगों को वर्क करना है। हो सके तो 15 से 20 मिनट तक या तो 15 to 20 मिनट्स तक आप लोग वर्क कीजिए, हल्के हल्के धीरे धीरे, टेरेस हो तो टेरेस में, बगीचा हो तो बगीचे में, ये सब नहीं हो तो घर के अंदर ही सही, मगर आप लोगों को करना है। इससे क्या होगा, आप लोगों की बॉडी स्लिम रहेगी और आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट है वो करना, जो राइस खाते हो दोपहर को कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगी और आप लोग पतले स्लिम और बहुत ही खूबसूरत दिखोगे और कम एज के भी दिखोगे। ऐसा ही होता है, मैक्सिमम क्या होता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका एज बहुत ही कम है, मगर क्या होता है वो लोग इतने फैट हो गए हैं, बहुत ही एज लगते हैं देखने में। तो वही सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, जानते सभी हैं मगर अप्लाई बहुत कम लोग ही करते हैं और कोई कोई तो भूल ही जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी। तो वही आप आज आप लोगों के साथ टोटली शेयर किया, तो हो सके इस फॉर्मूले को ज़रूर अप्लाई कीजिए और आप लोग देखोगे आप लोग ना स्लिम रहोगे और दिखने में भी अच्छे लगोगे। वैसे तो आप लोग बहुत ही सुंदर हो मगर और भी सुंदर हो जाओगे स्लिम लगने से, जैसा होता है एज 10 ईयर्स कम ही लगता है ना। चलिए ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं है किसी की 20 ईयर्स हो तो उसको 10 ईयर्स लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है, मगर जो होता है ना एज टाइप का वो थोड़ा कम लगता है। तो अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, जितनी हो सके जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ब्लॉग चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिए, एवरीडे देखा कीजिए, जितनी हो सके हम टोटली शेयर करेंगे, जितनी जानकारी है आप लोगों के साथ बताएंगे। तो अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय, खुश रहिए, अच्छे से मिलकर, सभी से मिलकर हैप्पीली अपने लाइफ को व्यतीत कीजिए। बाय।